हो सकता है वो ऐसा सोचते हो और इसीलिए करते हो, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ झगड़े तू तू मैं चिल्लाना, ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही मेरा आपका जो आजकल रियलिटी शो बन रहे हैं, लाफ्टर शो हो, डांसिंग शो हो, जो रेस चालू है इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? आपको लगता है कि रेस इज गोइंग लिटिल बिट ऑफ डर्टी और समथिंग लाइक दैट? मैं एक चीज, हम लोग कई बार यू नो जब हमने ये शो जज किया तो हमारे कई दोस्त थे, वो पूछते थे कि यार कई बार हमें हंसी नहीं आती, तो जजेस बड़े हंसते हैं यार, क्या आप लोगों को भी ऐसे ही हंसना पड़ेगा बिना हंसी आए हुए? तो हमने यार हमारे लिए भी वही सवाल था, यू नो व्हेन यू सेड एज अ जज, अगर किसी ने गैग मारा और इतना वो अच्छा नहीं है तो हम नहीं हंसते थे, एंड वी शुड टेल देम कि बॉस ये आप जो कर रहे हो हंसाने की कोशिश कर रहे हो, हमें इन चीज़ों पे हंसी नहीं आ रही है, सो जस्ट आप तैयार हो जाएं। और अगर इसमें सोनू जी सबसे ज़्यादा जेंटल हुआ करते थे, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पंजाब से थे लोग यार, पंजाब से थे। हां, इट्स अ फैक्ट। नो सुष्मिता, हां जी, दिस शो को लाइक इन द हिस्ट्री Well, the tallest show, and I also think people mistake height to be a matter of measure of being tall. You have to be people who are tall. Carry themselves tall. तालियां इस बात पे बजाइए आप, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। चाहे वो धारा भी हो, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे बराक ओबामा हो, anyone can melt by your hug. I just got embarrassed. Poor thing. Don't do that to him. No. I'm going to give you a hug immediately. Is there a question in that? You hug yourself. Then why aren't you here? Give me a hug now. गोली थोड़ी मार रही है यार, सबको पता चल जाएगा। He's a very nice human being. That makes the two of us. तो हमें हक कर ले, हमें कौन से कांटे लगे हैं? Like that. कौन से कांटे लगे? आइए, आइए, आइए। तो कहेंगे कि हमने इससे पहले कि हमें यहाँ दोनों लेडीज बहुत डांट के हटा दें, बॉडी ठंडे हो रहे हैं। हमने अब तक जो भी काम किए हैं, एज यू नो वी आर नॉट वेरी पॉलिटिकल पीपल, हम बड़े सीरियस आदे लोग हैं और आप बहुत सालों से जानते हैं हमें। You guys have done a lot for us over the years as members of media, but more importantly as human beings, just as people who have kept in touch and done good. Thank you very much for coming today and for making this so very special. And asking all the right questions. Only everybody go back home, ताली बजाने की थोड़ी सी आदत डालें, and then we're going to be back to see you again at a different venue and time. बहुत बहुत शुक्रिया। One last. Independence Day पे वैसे जाने तीनों का एक कॉमन। बोलिए सर। पंजाबी में तो मारेंगे सब मेरे को पकड़ के। सर 15 अगस्त फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग एवरी प्राउड इंडियन अराउंड द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन इंडिया वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस हमारी लेगेसी है, हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है, हमारी पहचान है, क्योंकि not just being an Indian, as a human being it's your right to be independent and free. So enjoy that, be responsible about it, and may God bless you all. Thank you for listening. Azadi Divas sabko mubarak ho, aur azadi wo hai jo yahan se bhi jo azad hain, jo man se azad hain, jo apne vicharon se azad hain, us azadi ki aur hame badhna chahiye. Azadi jo hame mili hai itni shahadat ke baad, hamare purkhe aur देश के सेनानी जो लड़े, उस वो एक धरोहर है जिसे हमें संभाल के रखना है। और ये भी कि इस आज़ादी को, इस आज़ादी
का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हर जमाने के साथ हमें करते रहना है और इस आज़ादी को समझना है कि आज़ादी जो हमें लगता है बहुत आसानी से मिल गई, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने खून बहाया, तो ये आज़ादी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है और अपनी मन की आज़ादी को हमेशा बनाए रखिए, तभी आप आज़ाद हिंद के जनता कहलाएंगे और इस देश के पास। And you know, I feel that you know, as kids, हम लोगों को बहुत आज़ादी के बारे में बताया गया, हम लोगों को बहुत सिखाया जाता था, but the new generation who's into gadgets and lots of other things, they are not too aware कि what 15th August means to us. I think as you know, as Indians, it's very important for all of us कि हम उन्हें बताएं कि 15 अगस्त की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, so it's very important for all of us individuals कि आने वाली generation को हम इस दिन का, इस तारीख का अहमियत जरूर बताएं। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू।